एक बार श्री कृष्ण यमुना किनारे अपनी बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की मधुर तान सुनकर उनके आसपास गोपियां आ गईं। उन्होंने बातों में लगाकर श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने पास ही रख लिया। गोपियों ने बांसुरी से पूछा, आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो तुम केसव के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर स्पर्श करती रहती हो? यह सुनकर बांसुरी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने श्री कृष्ण के समय पाने के लिए जन्मों से प्रतीक्षा की। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे उस दौरान मेरी भेंट उनसे हुई थी। उनके आसपास बहुत से मनमोहक फल और फूल थे। उन पौधों की तुलना में मुझमें कोई विशेष गुण नहीं था, परंतु भगवान ने मुझे दूसरे पौधे की तरह ही महत्व दिया। उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। उन्होंने मेरी कठोरता की भी कोई परवाह नहीं की। उनके हृदय में अतः प्रेम था। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतने प्रेम से स्वीकारा था। इस कारण मैंने अजीवन उनके साथ रहने की कामना की, परंतु उस काल में वे अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे। इसलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रहने की वचन दिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने वचन निभाते हुए मुझे अपना समीप रखा। बांसुरी का पूर्व जन्म की कहानी सुनकर सभी गोपियां भाव विभोर हो उठीं।